सर आपने जो प्रोजेक्ट दिया था वो कंप्लीट हो गया, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ हाँ वही तो चेक कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि जो प्रोजेक्ट हो गया है तो मैं वो बाद में देखूँ। अच्छा ये बताओ कि जो मैंने कल मेल करने को बोली थी शर्मा जी को, क्या तुमने वो मेल कर दी? सॉरी सर मैं अभी कर देती हूँ सर। और सर मुझे आपसे एक बात भी कहनी थी, वो जो कल मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया था ना वो मुझसे पता नहीं कहाँ मिस हो गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए मैं आज रात को रेडी कर दूंगी। मिस हो गया? क्या बदतमीजी है, कहाँ ध्यान रहता तुम्हारा? अरे मजाक कर रहा, तुम तो मेरा नेचर जानती हो ना, कितना मजाकिया हूँ। तुम अगर गलती भी करती हो ना तब भी मुझे गुस्सा नहीं आता, पता नहीं क्यों। सर मैं मेल कर देती हूँ। हाँ तुम शर्मा जी को मेल कर दो। सॉरी वो फाइल चेक कर रहा था तो हाथ से स्लिप हो गई। क्या तुम उसे उठा दोगी? वो ना मेरे बैक से थोड़ा पेन है तो झुकने में थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सर मेरा काम कंप्लीट हो गया है तो सर मैं घर ही नहीं करती हूँ। काम कंप्लीट हो गया जी, लेकिन अभी तो सिर्फ 6 बजे, 6:30 बजे जाती हो ना तुम, कहीं जाना है क्या तुम्हें आज? हाँ सर कुछ काम था। अच्छा बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं जा? अरे नहीं सर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है सर, वो मुझे मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी थी। कमाल है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, चलो अच्छा ही है, वैसे भी बेकार की चीजें होती है। अच्छा सुनो, वैसे ही जो तुमने ड्रेस पहनी है ना बहुत खूबसूरत है, ऐसे ही छोटी छोटी ड्रेस पहन के ऑफिस आया करो, ताकि ऑफिस का माहौल भी थोड़ा अच्छा रहे और मेरा मूड भी। अरे मजाक कर रहा हूँ, अच्छी ड्रेस लग रही है। और आराम से जाना, और जाते ही ना मुझे मैसेज ड्रॉप जरूर कर देना, वो क्या है ना कि तुम्हारी फिक्र रहती है मुझे। ओके सर बाय। लगता है मेरे जाल में फंसने वाली है ये, वीडियोस और फोटोज को ले लिए मैंने, अब आएगा मजा। साली मुझे इग्नोर करती है, मेरी बातों को इग्नोर करती है, समझती ही नहीं है। कितने टाइम से इसको सिग्नल दे जा रहा हूँ लेकिन ये कि मानती नहीं, समझती नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जानबूझ के तो नहीं कर रही है सर, जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आएगा मजा, अब लाऊंगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं तो आज बहुत थक गई, मेरा बॉस भी ना कितना काम करवाता है मुझसे। अरे ये बॉस मुझे क्यों फोन कर रहे हैं, अभी तो मैं ऑफिस से आई हूँ। हेलो मेरी जान, पहुंच गए घर से ही सलामत? अरे सर ये कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे, मुझे जान क्यों बोल रहे हैं, मैं आपकी एम्प्लॉई हूँ। अरे जान तो अगर जान नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा। सर आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझसे? अच्छा इतने प्यार से तो बात कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा तमीज में क्या ही दिखाऊं तुम्हें, बताओ जरा। सर आप कहना क्या चाहते हैं मुझे साफ साफ बताइए। चलो ठीक है पॉइंट पे आते हैं, वैसे भी ज्यादा घुमाने की ना आदत नहीं है मुझे। मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैंने ना तुम्हें कुछ वीडियोस और फोटोज व्हाट्सएप करी हैं, तो जरा ध्यान से चेक करना और बताना कि कैसी ली है। कैसी वीडियोस कैसी फोटोज? वो जब तुम चेक करोगे ना तुम्हें सब अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है? और बताना जरूर, बहुत अच्छा कैमरामैन हूं। हेलो हेलो, ये सर कौन सी वीडियोस की कौन सी फोटो की बात कर रहे थे, चेक करती हूँ। अरे मेरी ऐसी फोटोज ऐसी वीडियोस, छी मैं कितना अच्छा इंसान समझती थी उन्हें, और वो कितने गिरे हुए इंसान है, मेरी इतनी गंदी फोटोज खींची उन्होंने, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अभी बताती हूँ उन्हें उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी गंदी फोटो खींचने की। जिस चीज की तुम धमकी दे रही हो ना तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि मेरे पास कितनी पावर है,
तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। और हाँ, आवाज नीचे करके बात कर, समझी? बहुत सो तेरा, अगर ज्यादा चिल्लाएगी ना तो ये जितनी भी पिक्चर्स ली है ना पूरी इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा, और उसके बाद जो तेरा हाल होगा वो तो तू अच्छे से ही जानती है। ये क्या बोल रहे हो सर, वायरल कर दोगे मेरी वीडियोस? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? यही तो तेरी प्रॉब्लम है, इतने टाइम से तुझे फॉलो कर रहा हूँ, तेरी हर चीज को नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन तू है कि मेरी बातें ही नहीं समझती, मेरे को इग्नोर कर देती है। अभी भी नहीं समझ पा रही कि मैं तुझसे क्या चाहता हूँ मेरी जान। सर देखिए सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मेरी वीडियोस डिलीट कर दीजिए सर। देख टेंशन मत ले, इस चीज का ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अगर तू कहे तो बताऊं? बताइए सर। एक काम कर, मेरा तो तूने फ्लैट देखा ही होगा ना? हाँ देखा है। तो बस उस फ्लैट में आज शाम को 7 बजे करेक्ट पहुंच जाना, और हाँ जो आज सूट पहना था वही पहन के आइए, उसमें बड़ी मस्त लगती है। लेकिन सर आप चाहते क्या हैं? जब तू फ्लैट पे आएगी ना तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं तुझसे क्या चाहता हूँ और तेरे साथ में क्या करने वाला हूँ। देखिए सर प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं ऐसी वैसी लड़कियों का ना मुंह भी नहीं लगाता, समझी? तेरे में दिलचस्पी है इसलिए तो ये सारा ड्रामा करना पड़ रहा है। और हाँ, अगर नहीं आई ना तो अभी इंटरनेट पे सारी पिक्चर्स वीडियो वायरल कर दूंगा तेरी मैं। नहीं सर नहीं, प्लीज सर वायरल मत करना मेरी वीडियोस, मैं आती हूँ सर, मैं फ्लैट पे पहुंच जाऊंगी शाम को 7 बजे सर। अब आई ना लाइन पे, करेक्ट शाम को 7 बजे पहुंच जाइयो, 7 बज के अगर 1 मिनट भी हुआ ना तो दूसरे मिनट में तेरी वीडियो सारी वायरल हो जाएगी, समझी? इंतजार कर रहा हूँ तेरा। ठीक है सर, मैं आती हूँ। ठीक है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब आई ना लाइन पे, इतने टाइम से इग्नोर कर रही थी, अब इसको समझ आएगा कि इसका पाला किससे था। वीडियोस तो बहुत अच्छी आई हैं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, समझदार तो तुम हो, वेरी इंटेलिजेंट, जो मेरी बात बहुत जल्दी मान, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो सारी वीडियोस और फोटोज तुम्हारी वायरल कर देता और तुम रातों रात स्टार बन जाती। सर प्लीज मेरी वीडियोस डिलीट कर दीजिए सर, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर। अरे यार क्या तुम भी चिक चिक कर रही हो, वीडियोस डिलीट कर दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है, वीडियोस डिलीट करने के लिए थोड़ी ना क्लिक की थी मैंने। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर, प्लीज। मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, और मैं ऐसी ऐसी लड़कियों को मुंह भी नहीं लगाता, तुम्हें कुछ खास बात है। भाई साहब बहुत लकी हो तुम कि मेरा दिल तुझ पे आया है, तेरे को पता है इतना पैसा है मेरे पास, इतना पैसा लगाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं देख पाएगी, समझी? तेरी जिंदगी भर की कमाई ना एक दिन में उड़ाने की ताकत रखता हूँ। देख अगर दोबारा तूने डिलीट करने की बात की ना तो अभी वायरल कर दूंगा, समझी? मुझे गुस्सा मत दिला, अब जिस काम के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया वो काम अब स्टार्ट। तो अब एकदम शांत, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा। क्या हो रहा है ये सब? अरे रुचि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ क्या कर रही है? अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक्चुअली हुआ ये कि ना कल मेरे को अब्रॉड जाना है तो वहाँ पे मीटिंग है, तो इसको साथ ले जाना है ना मुझे, तो बस वही समझाना था कि मीटिंग में क्या क्या होगा। मीटिंग की बातें बेडरूम में होती है क्या? अरे नहीं वो बस वैसे ही इसको लेके आ गया था, वो इसने आज पहली बार हमारा फ्लैट देखा ना तो बस वही दिखा रहा था, तो रूम भी दिखा दिया। बस करो तुषार, और कितना झूठ बोलोगे, जिंदगी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता चुकी है। मैडम आपके हस्बैंड ने ना मेरे साथ बहुत गलत किया, मैडम आपके हस्बैंड ने ना मेरी गंदी गंदी वीडियोस बना ली है मैम, ये देखिए मैम, और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, आज शाम को उन्होंने मुझे फ्लैट पर बुलाया मैम, मुझे बहुत डर लग रहा है मैम, प्लीज मैम मेरी हेल्प कीजिए मैम। क्या तुषार ने ऐसा किया? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी, तुम जाओ फ्लैट पर। मुझे तो शर्म आ रही है, तुषार ऐसे कैसे कर सकता है। ये लो अपना फोन, ये तुम जाओ। अरे मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति बोलते हुए, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया, ऐसा करते हो तुम अपने स्टाफ के साथ। देखो रुचि तुम्हें गलतफहमी हुई है, और ये है ना ये झूठ बोल रही है, दो बोड़ी की सेक्रेटरी है, इसकी सैलरी नहीं बढ़ाई ना इसलिए यहाँ गुस्सा निकाल रही है ये, मैं सच कह रहा हूँ झूठ बोला है इसने तुम्हें। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, और ये फोटोज और ये वीडियो भी झूठ है जो मेरे फोन में है जो आपने सेंड किए मुझे, सर आपको शर्म आनी चाहिए।
सारी असलियत ना आपकी वाइफ को बता दी है। अब क्या करना है ना आपके साथ वो आपकी वाइफ डिसाइड करेगी। और हाँ, मैं अभी इसी वक्त आपकी ये जॉब छोड़ के जा रही हूँ, समझे आप? देखो रुचि, मैं समझाता हूँ, प्लीज। देखो मैं मानता हूँ मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। देखो तुषार, अब तुम्हारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तुम्हें अभी छोड़ के जा रही हूँ। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी। रहो तुम अकेले अपने एम्प्लॉय के साथ या जिसके साथ तुम्हें रहना है, मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। अरे रुचि, रुचि मेरी बात। अरे यार ये क्या हो गया?